Can I just go across, and I think we all need to hear this particular discussion that's going to happen near Morena. This is where our team is actually a model village near Morena, which has a good sex ratio. Lots of girls here have been educated. They're traveling out of the village to study nursing, etc. So this is one particular village where a lot of difference has been made, and partly, Ashaji, you've been out there, you've done a lot of work out there, and others have. So this particular area, this particular village, things are very different. However, across that and other places there, it's really a very grim situation. Morena, overall, one of the worst sex ratios in Madhya Pradesh, just 819 girls for 1,000 boys. Wow. So, Sunal's out there, our reporter. Sunal, talk us through, take us through all the people you've got gathered out there, and what's the discussion you're having there? Well, Vikram, we're coming to you from the hinterlands of Madhya Pradesh. This is the infamous Morena district, which has had the worst sex ratio across, one of the worst sex ratios across the country. This is the land of the disappearing daughters, and this is also the land where a girl child is supposed to be an unspoken curse, almost. I mean, that's at least a sense that I've gathered here since the time I've been. Now, I have with me some interesting group of people. On my right are some elders of the village who've come across, not just from Morena district, but from other districts around this area as well. And I also have with me some workers who've been working continuously, trying to educate these people, trying to bring about the awareness. But first, I want to come to these people here and try and understand, why exactly is the girl child so unwanted? Why is it that she's silenced even before her birth? आप मुझे बता रही थी अभी कि अगर लड़का और लड़की में चॉइस दिया जाता है तो आप क्यों लड़की को नहीं चाहती हैं? क्यों नहीं चाहते लड़की को? कि अपना घर का बोझ समझती है, कूड़ा समझती है और सोच उनकी नीची रहती है. क्योंकि लड़की जन्म जाएगी तो कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे, खिलाएंगे फिर उनको ससुराल भेलेंगे तो शादी कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं है हमारे पास, खेतों में काम करते हैं. तो आपने कहा लड़कियाँ कूड़ा हैं आप? हाँ, लड़कियाँ कूड़ा समझती हैं. जो लड़की कूड़ा है घर का बोझ समझते हैं और वो लड़की को बाहर समझते हैं अपना. और लड़की को गहराई में मुझे ये बताइए कि जब लड़कियाँ, मुझे अब बेफिक्र कैमराज है यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि लड़कियों के साथ, आपने बताया पहले कई बार होता था, क्या करते हैं जब लड़कियाँ पैदा होती हैं? लड़कियाँ चाहते नहीं है. क्यों नहीं चाहते? लड़की चाहते नहीं है. लड़कियाँ चाहते हैं तो मरवा देती हैं. मरवा ऐसे ताई है ना, लड़की हो गई तो लड़की हो गई तो वो ताई मतलब वो माँ को नहीं पता परम देती. माँ को तो मालूम ही नहीं पड़ती. लड़की है होती तो ऐसे तमाकू है जो बीड़ी है माँ में से निकाल के तमाकू उनके तरुए में रख देती, ऐसे लड़की को मरवा देती. और यह जे खाट का पाइया है पाइये के नीचे रख देती, उनको लड़की को खत्म करवा देती. माँ कुछ नहीं बोलती है, माँ को कुछ बोलने का हक भी नहीं दिया. कहते माँ को पता ही नहीं पड़ता, पता नहीं पड़ता माँ को. तो क्या प्रेशर होता है, ऐसा क्यों करते हैं? घर के लोग बोलते हैं क्यों लड़कियों को ऐसा कर रहे हैं? ऐसे डिंग परोस के बोलते हैं कि लड़की को चाहो, माँ को पता पड़ जाता तो उनसे फिर बोलती है कि लड़की को चाहो. लड़की बिगर तो कुछ ही नहीं है, लड़की क्यों मरवा देते हैं? तो लड़की जी मरवा देते हैं कि मतलब ऐसे बड़ी हो जाएगी तो कैसे शादी करेंगे, बड़ी हो जाए. अब सोच दहेज देना पड़ेगा. हाँ, दहेज देना पड़ेगा. जमीन नहीं है और घर में कोई कमावे बारा नहीं है. गरीबताई में मतलब लड़कियाँ कैसे पढ़ाएंगे, पैसे लगेगा तो लड़कियाँ कैसे पढ़ाएंगे, ऐसे मतलब कैसे नौकरी लगेगी, जा सोच के मारे खत्म कर दी थी. इट्स डेविस्टेटिंग टू हियर ऑल दिस, बट आई वॉन्ट दीज पीपल टू स्पीक अबाउट दिस. आप अभी ये वो लोग मुझे बता रहे थे कि इन पर दबाव भी पड़ता है, क्यों घर के जो बड़े हैं, जो मर्द हैं, वो बोलते हैं कि हमें लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए. क्यों आप लोग इतना प्रेशर डालते हैं? हम इसलिए मतलब प्रेशर डालते हैं कि मतलब जैसे मान लो लड़की को पाले पोसे बड़ा करें तो वो क्या है कि दूसरे पराए घर चली जाएगी एक दिन. अब इस तरह से पराए घर चली जाएगी, मान लो शादी होगी उसमें पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, मान लो जो भी उसमें खर्चा आया, उसमें शादी के बाद में बहुत सारा कर्जा भी हो जाता है. दूसरी बात ये भी होती है कि घर में हम लड़की को रखते हैं तो हम तो घर से बाहर भी काम के लिए जा सकती है ना कभी भी. तो घर में वो जो बड़ी हो जाती है, जब लड़की अपना एक इस तरह की इज्जत होती है घर की,
तो हमारा ऐसा महसूस होता है कि मतलब हमारे देश से पीछे कहीं ऐसा नहीं हो कि लड़की के साथ कहीं जाने में या रहने में कहीं छेड़छाड़ हो जाए, बहुत बड़ी हमारी तो नाक कट जाएगी हमेशा के लिए, मतलब इस तरह की हमारी एक सोच है। तो हम इस चीज को मतलब आगे ले जाने। फिर आपकी कितने बच्चे हैं? मेरे बच्ची वैसे चार हैं और लड़के दो हैं। और लड़कियां आपकी, आपने उनका शादी कर दिया? शादी एक की कर दी है और तीन अभी बाकी है। कितना दहेज दिया पहले शादी? दहेज मैंने दिया करीबन 1,00,000 रुपए के करीबन, मतलब कैश दिया और भी सामान भी दिया। तो मान लो हमारे पास जब खाने कमाने के लिए उतना ही है, मान लो हम दहेज अगर ज्यादा देते हैं तो हमारे पास खेत भी तो नहीं है, 10-5 बीघे खेत है, उसको भी हम अगर शादी में बेच दें या पीछे कमाते कमाते उसका गड्ढा पूरा करना पड़ेगा, इसमें हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो हम इसलिए इसको थोड़ा सा, ये हमारे इस तरह का कोई वो नहीं है कि लड़की को हम ज्यादा से ज्यादा जन्म दे सके। और आप मजबूर हैं? मजबूर हैं इस तरह से कि हमारे पास कोई साधन नहीं है इस तरह का पीछे हो सके। मैं आई ऑल्सो हैव विद मी हियर समबडी हु इज अ लोकल जर्नलिस्ट, यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर वेरी इयर्स। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आप जब ये बातें सुन रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि हम मजबूर हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लड़कियों को उन्होंने तो कूड़ा बुला दिया यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करी जाए, कैसे इनको बताया जाए कि विमेन एम्पावरमेंट करा जा सकता है, शी कैन बी टर्न्ड इनटू एन एसेट, सिर्फ लायबिलिटी नहीं है। ये है कि जो दहेज है जिसकी कि ये बात कर रहे थे भैया अभी, और वो बहन जी ने भी बात करी कि दहेज एक इतनी बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में कि दहेज को लेकर के कंपटीशन भी है। और ये अगर अपनी बच्ची के लिए कहीं घर ढूंढने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, तो वहां बिना दहेज के इनका काम नहीं बन रहा है। और इन्हें चाहे कर्जा लेकर, जैसे भाई ने अभी बोला कि कर्जा लेकर देना पड़ता है, तो कर्जा ले लेकर, इनके चार बच्चे हैं, एक बच्ची को 1,00,000 दिया, अभी दूसरी बच्ची का जो ये रिश्ता करेंगे वो 2,00,000 से कम में नहीं होगा, ये खुद भी घूम रहे होंगे, ये पूछ सकते हैं आप इनसे। और जिनको दहेज नहीं दिया जाएगा उनमें आगे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, दाउरी के केसेस। जी ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं सोनल जी, कि जिनको दहेज के बिना तो शादी होना असंभव है इस चंबल के अंदर, भिंड मुरैना ग्वालियर शिवपुरी इस रीजन के अंदर दहेज के बिना शादी नहीं होगी। और दहेज जो 2-4 लाख रुपया दिया, तो आप देखिए कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं होगा इस मुरैना जिले का जिसके अंदर की पर डे 1-2 दिन छोड़ करके दहेज को लेकर हत्या का मामला नहीं आए, चाहे वो आज की भी रियलिटी है। आप कल का देख लें न्यूज़पेपर, परसों का देख लें, एक महीने के अंदर 30 दिन में 10 लेडीज दहेज के कारण ही मरती हैं या मार दी जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस रीजन में कि वो दहेज नहीं दे तो उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, दहेज दे रहा है तो उसको ये है, एक नया एक बहुत बड़ी एक चलन चल गया है यहाँ कि एक बहू को मार दो जिससे कि दूसरी शादी लड़के की फिर से कर लेंगे। Horrifying to hear all this. आपने एक प्रॉब्लम बताया दाउरी का, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी देखा गया है कि दिस इज द राजपूत डोमिनेटेड एरिया एंड देर आर काफी सारे बाकी कास्ट भी हैं जहाँ पर फीमेल्स को सेंस ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनको साइलेंस करके रखा जाता है, वो भी एक फैक्टर है कि माएं खुद अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रही। जी सही बात है सोनल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जो ये चंबल है, इस क्षेत्र के अंदर लड़की को आगे नहीं निकलने देते हैं उनका, ये उसके पीछे एक वही बात है कि अगर बच्ची जाएगी, एक गांव में प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, अब उसको उसे 10th 12th करना है, कॉलेज पढ़ना है, तो उन्हें ये है कि वो लड़की अभी यहाँ इस उमरियापुरा से अंबा जाएगी तो उसके साथ बीच रास्ते में 6 किलोमीटर है, कुछ भी हो सकता है। और एक बार उसके साथ एक लड़का अगर बात करते भी देख लिया किसी पर्सन ने, तो उस गांव के अंदर उनकी इज्जत उतर जाएगी कि वो फला की लड़की फला के लड़के के साथ बात कर रही थी। ये एक बहुत बड़ी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई ऑल्सो वांट टू टॉक टू दिस यंग गर्ल हियर, पल्लवी। पल्लवी वर्क्स विद एन एनजीओ and she's been working continuously over the years to try and educate these people. Why I'm particularly fascinated about Pallavi, she's all of 20 and she comes from this place, but after having studied everything she's come back to serve these people. aap Pallavi, aap sab aap graduation post graduation kar chuke hain? ha ji ha. उसके बाद आप यहाँ पर आके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, मुझे बताइए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ पर लोगों को, जब आप समझाने जाती हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप 8वीं कक्षा के बाद सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार उनको साइकिल्स देती है, तो इंसेंटिव सरकार दे रही है, वो मैसेज लोगों तक क्यों नहीं जा रहा है?
यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कि सोच, यहाँ की समस्या है ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले लोग हैं, जो जैसा है वैसा ठीक है। ये लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़ें या हमारे बच्चे आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें। वो ये चाहते हैं कि हम जैसा कर रहे हैं वैसे हम भी वैसे ही रहें। वो ये है कि हमने पहले वैसे ही किया था, हमारे ज़माने में ऐसा ही होता आया है और हम लोग ऐसे ही करते आएंगे। और टीवी वगैरह में जो दिखाते हैं वो सब आप फालतू की बातें कर रही हो, वो सब शहरों में होता है, गांव में नहीं। लोग आपको बोल देते हैं कि आप फालतू की बातें कर रही हैं, हमसे हमें मत बताइए। बिल्कुल यही सब यहाँ पर बोला जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम हम लोग देखें, चाहे कोई भी समस्या है, दहेज की समस्या है या डोमेस्टिक वायलेंस है या फीमेल फेटिसाइड है, यहाँ की मेन समस्या है सोच। लोग अपनी सोच को बदलना ही नहीं चाहते हैं, जो उनकी सोच है वो उस पर ही कायम है कि हमारी जो हम लोग जैसे हैं। मैं पल्लवी आपसे पूछ रही हूँ, आपके सामने अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये, आप मेरे साथ इधर आइए पहले। अम्मा एक बात बताओ, ये लड़की आपसे कुछ कह रही है, हाँ इनको पल्लवी बताइए आप क्या कहना चाहेंगी। इनके हिसाब से इन्होंने मुझसे कहा है कि अभी भी लड़कियां पैदा होती हैं तो उनको तंबाकू खिला के, क्या ये जो तख्त रखा है उसके नीचे दबा के उसकी अभी भी हत्या होती है, एंड ये एक्सेप्ट करेंगे मेरे साथ बैठकर, आप इनको अभी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनको यही कहना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको ही कहना चाहती हूँ, इस देश में फीमेल फेटिसाइड पूरे इंडिया में ही होता है। तो मैं सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आज सानिया है, कल्पना है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं, और ये सारी लड़कियां बहुत नाम कर रही हैं। अगर अभी हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं भी हूँ और यहाँ पर जर्नलिस्ट जो है वो खुद भी, सोनल भी खुद इतना पढ़ी लिखी हैं, तो लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। अम्मा वो कह रही हैं कि लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको ऐसे नहीं साइलेंस कर, नहीं पढ़ाएंगे हम, हमारी मर्यादा चली जाएगी, हम शर्म की नाक कट जाएगी हमारी, हम नहीं पढ़ाएंगे इस लड़की को। आप क्या अच्छा, बोलेंगे आप? मैं यहाँ पर बहन जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप महात्मा गांधी को जानती हो? महात्मा गांधी के कितने बेटे थे? महात्मा गांधी वहाँ रहती थी, यहाँ लड़का ऐसे हैं वो नई लड़की को पढ़ने देते हैं। उनका कहना है कि इनसिक्योरिटी है, लड़के लड़कियाँ दे लिव इन अ कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ थ्रेट एंड फियर, तो इसको कैसे डील करा जाए? मैं यहाँ पर इनको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि महात्मा गांधी के चार बेटे थे, हम लोग नहीं जानते कि महात्मा गांधी के चार बेटे थे, लेकिन हम लोग ये चीज जानते कि महात्मा गांधी की एक बेटी थी इंदिरा गांधी, और उसने बहुत नाम रोशन किया। हमारी शर्म चली जाएगी, यहाँ कहाँ से पढ़ाएंगे तुम्हें, हमारी बहुत बड़ी मर्यादा है गांव में, नहीं भी जाने देंगे पढ़ने। The discussion I think which can go on for a very long time, yeah. But at the same time what's important, I just want to go across once also to these Anganwadi workers that we have here with us today. Aap kafi time se yahan kaam kar rahi hain. Dusra issue jo is area mein dekhne ko milta hai sirf female infanticide ka nahi hai, even the girls who survive unko wo malnourished hoti hain, उनको एक कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ निग्लेक्ट में रहती हैं। अगर एक घर में लड़का एंड लड़की दोनों को है तो लड़के पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप कई ऐसे घरों में जाती हैं, उनको जागरूक करती हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं सोनल जी, जब मैं एक गांव में गई वहां पर मैं एक अपने आंगनबाड़ी वर्कर के यहाँ गई, उसके यहाँ पर क्या था कि दो अति कुपोषित बच्चे थे। मैंने उनसे बोला कि चलो आप उनको बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराते हैं, आप जाइए इनके पेरेंट्स को लेके आइए। तो वो उनके पेरेंट्स को लेके आई, मैंने उनसे बोला कि आप अपनी लड़की को उसमें एनआरसी में भर्ती क्यों नहीं कराने भेजते, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर इतना आपसे बोल रही है फिर भी आप नहीं लेके जा रहे हो, वहाँ पर आपको मुफ्त में दवाइयाँ मिलेंगी, तो खाना भी। उन्होंने कहा कि हमारी वैसे चार लड़कियाँ हैं और ये लड़की जो है वो अगर ख़त्म हो भी जाएगी तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की की माँ ने आपसे कहा कि हमारी चार लड़कियां हैं, एक लड़की अगर खत्म हो भी जाती है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने काफी कोशिश की लेकिन वो महिला कतई तैयार नहीं हुई वहाँ जाने के लिए। सोनल जी एक और आपको वाकया बताते हैं, एक गांव में गई जहाँ पर वहाँ पर मतलब काफी बैकवर्ड एरिया है, वहाँ मैंने एक घर से एक लड़के को एडमिट करवाया एनआरसी में, दूसरी जगह एक लड़की को जब मैंने एडमिट करवाने की बात करवाई तो उसके यहाँ से उसकी सास जो थी ना, बहू की जो सास थी, वो हांसिया लेके मेरे पीछे दौड़ी कि हांसिया जिससे अपन सब्जी वगैरह काटते हैं या वो चारा वगैरह काटते हैं, आप वो लेकर आपके पीछे भागी कि आप, हाँ आप यहाँ से जाइए, मैं ऐसा कुछ ही नहीं करूंगी, हाँ हमारी लड़की है तो होगी, पल जाएगी, नहीं पलेगी तो मर जाएगी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और यहीं अगर लड़के की बात होती है तो उसकी हेल्थ का खूब ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। मैंने कहा तो आप उसको अपने घर में तो कम से कम देख सकती है ना, दूध जैसे आप अपने लड़के को देते हैं उसको लड़की को भी दीजिए तो वो कम से कम वो भी थोड़ा अच्छा करेगी। आपने ये कैसे समझ में नहीं, वो उनको समझ में नहीं आता। मैंने कहा दवाइयाँ वगैरह दिलवाने के लिए हॉस्पिटल में चले जाइए, नहीं रह सकते हैं 14 दिन। तो ये सब मुफ्त की दवाइयाँ हैं, मुफ्त का खाना उनको सरकार प्रोवाइड करी, उसके बाद भी नहीं जाना चाहते वो, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। उनकी मेंटेलिटी कुछ इस तरह की हो गई है कि लड़कियां अगर नहीं भी सरवाइव करेंगी तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का हमारा है। वेल विक्रम, यू हर्ड इट ऑल आई थिंक फ्रॉम हियर। वी इट्स जस्ट हॉरिफाइंग, इट्स हॉरिफाइंग टू इवन लिसन टू दीज स्टोरीज। एंड व्हाट्स इवन वरिंग इज द फैक्ट दैट डिस्पाइट ऑल दिस डिस्कशन वी हैव पीपल लाइक देम who come forward and say that it's still justified. But at the same time, let me tell you, we still have people like Pallavi who are working rigorously day after day, hour after hour in these areas, trying to ensure that somewhere to get the conversation going, somewhere to have these people talk about it. There is, in fact, from where we're sitting, a model place wherein the statistics have changed drastically. This has happened because they've gone across to various people, to house, to door-to-door campaigning, telling them about the awareness campaigns, telling them about the schemes that the government has come forward with. So, you know, it's perhaps a good news here that though the elders here continue to believe what they do, the future of the place at least looks like it's in a good hand, and it does look a little optimistic from this side.